यस वी आर लाइव नाउ गुड इवनिंग नमस्ते नमस्कार सभी को क्या हालचाल हैं आपके कैसे हैं भाई सबसे पहले तो सॉरी आज मेरे पेड़ बैच में मैं क्लास नहीं ले पाई है ना वो बच्चे ऐसा ना सोचें कि आज क्लास नहीं हुई और इन्फॉर्म, इन्फॉर्म भी शायद नहीं कर पाए इन्फॉर्म करे किया था नहीं किया है ना इन्फॉर्म भी नहीं किया तो उसके लिए सबसे पहले सॉरी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हैं है ना अच्छा और दूसरे मुद्दे पर आते हैं आज एज यू नो टुडे टूडे ट्वेल्थ फरवरी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू बैच ऑफ स्पोकन इंग्लिश है ना आर यू रेडी गाइज यस गुड इवनिंग नमस्ते आई एम ग्रेट अंशिका आप कैसी हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग आई एम न्यू ओके वेलकम एवरी वन एक्चुअली यस दिस इज सुमन सूर्य एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ऑशन गुरुकुल्स चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट क्लियर योर ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस बैच की बैच कितने दिन चलेगा क्या हम सीख जाएंगे कैसे होगा कैसे स्टार्ट होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो वो सब क्लियर करने चाहिए है ना बिहंग टीचर सबसे पहले तो वही क्लियर करेंगे तो अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की तो पहले तो आपके आपसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों बोलनी क्यों है तुम्हें इंग्लिश ऐसे क्या मतलब इंग्लिश बोलने से कुछ हो जाएगा कुछ कुछ मिलने वाला है उससे कुछ पैसे वैसे टपकने लगेंगे करोड़पति हो जाएंगे क्या हो जाएगा आपको पहले तो देखिए अगर हम लाइफ में कुछ भी करते हैं ना मतलब इट्स नॉट अबाउट द स्पोकन इंग्लिश इट्स अबाउट ऑल जितना भी जितना भी कुछ भी वॉट एवर जो भी आप करते हैं वो क्यों करते हैं बिना बात के हम ना कुछ नहीं करते तो सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन करिएगा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि वाय क्वेश्चन वाई का आंसर आपको होना चाहिए जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं है रीजन नहीं है ना तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है किसी को हो सकता है इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा हो हो सकता है है ना किसी को अपना पर्सनालिटी इंप्रूव करना हो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपके फ़ायदे हो सकते हैं आपका पर्सनालिटी ग्रूम हो सकता है डेफिनेटली आप सोचेंगे इंग्लिश कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं मैं एक दो कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और वी शुड स्पीक इन ऑनली हिंदी हम क्यों इंग्लिश uh, के पीछे भाग रहे हैं और क्यों ये सब बातचीज एंड डोल भाई देखिए शायद या तो वो लोग बहुत ही कट्टर हिंदी भाषी हैं या फिर दूसरा कि वो खुद नहीं कर सकते इसलिए शायद एक एक्सक्यूज अपनी लाइफ में लेकर घूमते हैं ठीक है बट अगर ट्रू बात तो यही है बच्चे कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो ना <coughs> कहीं ना कहीं आपको डिसाइड कर देती है कि आप एजुकेटेड है अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हैं इंग्लिश समझ रहे हैं आप किसी को सुनकर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें मतलब इंपॉर्टेंट है आप अपना रीज़न मुझे मैंशन कर दीजिएगा आप सीखना क्यों चाहते हैं अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है ना कि एम आई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा वो एक दो क्लास देखेगा उसके बाद उसका कुछ नहीं होना है ना चलिए सबसे पहले मैं बैच के बैच के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके वो मैं दे देती हूँ आज ट्वेल्थ फरवरी है आज से ये बैच शुरू होना था एप्लीकेशन पे पर इसकी आज की क्लास हम यूट्यूब पे रखने वाले हैं और आज क्लास नहीं बोलूंगी मैं बेसिकली बोलूंगी कि कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं क्या क्या तरीके होते हैं और हम इस बैच में क्या, क्या क्या कवर करने वाले हैं कैसे कैसे करेंगे क्या सच में इंग्लिश सीख जाएंगे कितना टाइम लगेगा एंड ऑल ठीक है तो देखिए ये बैच आपका वन ईयर वॉलिटी के साथ आपके पास रहेगा आपका बैच लगभग फोर मंथ्स की ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगा पर आपकी क्लासेस वीक में फोर डेज ही चलेंगी थ्री डेज आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए मैं बता देती हूं इसका रीजन क्योंकि देखिए कुछ सीखा बेसिकली स्पोकन इंग्लिश इज अबाउट कॉपिंग कि आप कॉपी करिए दूसरे की कॉपी करिए करते रहिए है ना तो और बस अपने आप सीख जाएंगे आप जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे आपकी डेली लाइफ में तब तक आप सीख नहीं पाएंगे है ना तो उसके लिए आपको कुछ डेज और उसके लिए होमवर्क दिया जाएगा एंड ऑल इसलिए आपकी वीक में क्लासेस फोर डे चलेगी आपको ये बैच कहाँ मिल सकता है पेड बैच आपको यूट्यूब नहीं पेड बैच कहाँ पर मिल सकता है ओशन गुरुकुल्स जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है वही एप्लीकेशन का नेम है वहां से वहां पर जाकर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं ठीक है ठीके? अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं आप अगेन एंड अगेन कॉल करके बस यही क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको मैं क्लैरिफाई कर देती हूं दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस करती हूं क्या क्या चीजें इंग्लिश के लिए आपको काम करेगी क्या क्या आप इस बैच में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सबसे पहले देखिए क्या ग्रामर क्या हम रियली really हमें ग्रामर सीखनी है क्या स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर की आवश्यकता है हाँ जी क्या आपको लगता है डू यू रियली थिंक ग्रामर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश क्या बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अगर इतनी इंपॉर्टेंट होती मैं आपको बेसिकली बात बताऊं जिसके बारे में आप बोलते हैं ना फ्लुएंसी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है ग्रामर नहीं अगर आप जितने भी क्रिकेटर्स को देख लें बॉलीवुड में आप इतनी सारी पर्सनालिटीज़ को देखते होंगे बच्चे ट्रस्ट मी वो 50 परसेंट तो गलत बोलते हैं ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि पूरी कि गलत ही बोलते हैं नहीं गलत का कुछ तरीका नहीं है कि गलत कुछ नहीं होता अभी मैं आपको आज की उसमें एग्जाम्पल भी दूँगी क्या ग्रामर इम्पोर्टेंट है क्या ग्रामर के बेसिस पर हमें सेंटेंसेस को फ्रेम करना है भाई कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं उन्हें ग्रामर का जी नहीं आता फिर भी इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं आपके मन में कभी ये सवाल आता है आता होगा बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं कि एट्थ ही पास है टेंथ ही पास है फिर ये इतनी इंग्लिश कैसे बोल सकता है इंग्लिश बोलना क्या डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के यस और नो आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है मास्टर्स हों बैचलर हों बट शायद इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे मुझे आंसर दीजिएगा क्या मैं सही हूं आप मुझे थम्स अप भेज सकते हैं यस मैम आप सही कह रही हैं अपने आसपास गौर करिएगा आप खुद को गौर कर लीजिए मे बी आप भी ग्रेजुएट हो हो सकता है आप मास्टर्स भी हो क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोपोर्शनल है किसी भी तरीके से स्पोकन इंग्लिश के आई थिंक नॉट मैं कंप्लीटली डिसग्री हूं इस बात से बिल्कुल भी नहीं इसका मतलब यह हुआ ग्रामर पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मैं कुछ आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में लपेटना भी नहीं चाहती जो थोड़ा बहुत रहेगा हमारा ट्वेंटी थर्टी परसेंट कि हमें टेंस मॉडल वॉइस ये सब सीखने की जरूरत है ना कि हम मोडाल ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाएगा टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो सब हम कर लेंगे और वो भी बोलते बोलते ही हो जाएगा उसके लिए स्पेसिफाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा सेकंड चीज देखिएगा वो कैबलरी अब आप सोच रहे होंगे क्या मैम हम पहले पूरी वकाबलरी पढ़ें फिर स्पोकन इंग्लिश पे जाएं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता आपके मन में क्यूरोसिटी होनी चाहिए जिज्ञासा होनी चाहिए किस चीज को इंग्लिश में कहा कैसे जाता है तो वो तो एकदम शोर है बच्चे कि आप जब तक वुकाबलरी नहीं सीखते जब तक आपको चीजों का पता नहीं कि आ, किसी भी वर्ड को व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश जब तक कैसे काम चलेगा है ना आपको ये सेंटेंसिक क्वेश्चन उठना चाहिए हर चीज को आप देखें और उसको अपने आप से ही सवाल करें कि यार व्हाट इज दिस कॉल्ड इन इंग्लिश तो ये सब इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली वकॉबलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी पर ऐसा नहीं कि हम उठा के वन वर्ड ईडियम ऐसा कुछ पढ़ने वाले नहीं हमारी डेली लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ या इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी वकॉबलरी हम पढ़ेंगे और उनको सेंटेंसेज में यूज करेंगे ठीक है अच्छा जी थर्ड पर आती हूं मैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन है क्या मेरे आ, मेरी भावना को मेरे कहने को आपको समझ पाना इस अंडरस्टैंडिंग को ही कम्युनिकेशन कहते हैं राइट right? तो ये तो हिंदी में भी हो सकता है हिंदी में भी समझ सकते हैं पर बच्चे गौर करिएगा इंग्लिश ही ग्लोबल लैंग्वेज है अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप गए किसी भी कंट्री में जाते हैं एक कॉमन जो पॉइंट निकल गया आता है ना वो इंग्लिश है आप इंग्लिश के बेसिस पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं पर भी कर सकते हैं किसी से भी कर सकते हैं हमें लगता है हिंदी कॉमन पॉइंट है नहीं हिंदी नहीं है और आई थिंक हम साउथ इंडिया में भी जाए ना वहां पर भी नहीं है वहां पर लोग इंग्लिश जानते पर हिंदी नहीं जानते हैं प्रॉपर नहीं जानते पर थोड़ा बहुत जरूर इंग्लिश ही समझते हैं हिंदी नहीं समझते तो ये हमारे अंदर गलत फहमी है कि हम तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं हिंदी से नहीं आपको बहुत बार जरूरत पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज की और डेफिनेटली ग्लोबल लैंग्वेज है जरूरत तो पड़ेगी ही ठीक है अच्छा आगे हम आते हैं बॉडी लैंग्वेज इस बैच के अंदर मैं आपको बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल सिखाना चाहूंगी क्या होता है बॉडी लैंग्वेज देखिए बॉडी लैंग्वेज क्या है बेसिकली मैं आपको ना अपना एग्जाम्पल अभी दे के बताती हूं है ना फॉर एग्जाम्पल भाई हिंदी ऑल्सो एक लैंग्वेज है तो उसके लिए भी हम फेशियल uh, एक्सप्रेशन का जरूरत रहता है देखिए अगर मैं आपको ऐसे बोलूं इस बैच में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर वो कैबलरी कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू तो आपको कैसा लग रहा है मैं आपको आ, कल से स्पोकन इंग्लिश का नया बैच लेने वाली हूं कैसा लग रहा है आपको डेफिनेटली बहुत खराब लग रहा होगा क्या कहते हो खराब लग रहा है ना तो क्या मैंने तो बोला तो यही है जो कुछ अभी एक्सप्रेशन के साथ बोल रही थी अब बिना एक्सप्रेशन के साथ बोल रही हूं So it means, जब आपको अभी लग रहा है, तो जब आप बोलते हैं जब आप हिंदी बोलते हैं डेफिनेटली आपके face, आपके फेस हैंड आईज सब जगह एक्सप्रेशन होता है क्योंकि आप उसको फील करके बोलते हैं पर जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो आप एकदम रट्टा मार के ऐसे यूं बोलना शुरू कर देते हैं बस कि हाँ बस मैं तो पढ़ता जा रहा हूं गर्दन हिला हिला के तो उस बॉडी लैंग्वेज को आपको सीखना बहुत जरूरी है आप इंग्लिश बोल सकते हैं पर स्पेशल आप स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं दे पाते उसको फील नहीं कर पाते बोलने के स्टाइल में ये नहीं झलकता कि आपको सच में आती है या फिर आप बस एमए लपेटे जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बैच में हम अपने बॉडी लैंग्वेज प्रोनाशिएशन इसको सीखेंगे इसके अलावा अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हो सकता है प्राइवेट में भी ऑब्वियसली इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन हाउ टू इंट्रोड्यूस योर एंड आर लोट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इंटरव्यूअर की क्या कब कैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन और आपके पर्सनल डेवलपमेंट पर हम काम करेंगे अच्छा जी नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है क्या ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना ये बिल्कुल सही है ये इंग्लिश से ही क्यों शुरू होता है आप किसी भी पीटीपी क्लासेस को हिस्सा बन के देख लीजिए वहां पर सबसे पहले हम इंग्लिश की ही बात क्यों करते हैं इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी इज वोट क्या आपका स्पोकन ही सिर्फ पर्सनालिटी है नो no. आपका बोलना आपका समझना आपके एक्सप्रेशन इवन आपका स्टाइल uh, स्टाइल टू वियर क्लोथ्स एंड किस टाइप के आप कहां पर क्या वियर करते हैं कहां पर जाते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं कैसे आंसर करते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं आपका बच्चे एकदम फिजिकल मेंटल ये सब आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है आप भीड़ में भी अपने आप को अलग दिखा सकते हैं और लोग दिखाते भी हैं और दूसरे उनसे अट्रैक्ट भी होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको समझना होगा भाई कैसे बोलना है क्या बोलना है क्या पहनना है आपका आ, मैं सीरियसली बोलू आपका जो ड्रेस का जो स्टाइल है या किस टाइम पर किस इन्वायमेंट में आपने क्या पहन रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है एंड यूर कम्युनिकेशन बेसिकली इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसके बाद हम देखेंगे क्या मैम इंग्लिश को हम ऐसे ही कुछ भी देखिए मैं आपको ना इतने प्यारे और स्वीट इंग्लिश फ्रेजेस सिखाऊंगी स्मार्ट ऐसा नहीं कुछ चीजें होती हैं मैं आपको सीरियसली बोलने वाली हूं कि स्टॉप सेइंग सेशन है ना कुछ चीजें कुछ वर्ड्स कुछ फ्रेज़ेस आप यूज करते आ रहे हैं बचपन से एक कुछ सेशन तो मैं यही लूंगी कि ये बोलना ही नहीं है, है ना हम गलत बोलते हैं गलत तरीके से बोलते हैं जिसका जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है कि हम इंटरव्यू से भी आउट हो सकते हैं और या फिर कहीं पर भी किसी महफिल में अपना आप इम्प्रेशन नहीं जमा पाते तो वो आपका कारण है कि आप गलत फ्रेज़ेस को यूज़ करते हैं तो मैं आपको बहुत प्यारे स्वीट फ्रेज़ेस एक्सप्रेशन सिखाने वाली हूँ इस बैच के अंदर हम सीखेंगे हमारे फोर मंथ्स की जर्नी में रहेगा एंड लास्ट वन अगर हम स्टार्ट करेंगे बैच को तो डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना है जो मैं बोलू उसे रिपीट करना है बोलना भी है लिखना भी है ठीक है बस अपने आप आ जाएगा जब आप सीखेंगे जो आपने सीखा क्लास में उसको बस प्रैक्टिकली यूज कर लीजिएगा एंड कभी भी नर्वस मत हो देखिए अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं बोलना चाहते हैं तो डू मिस्टेक्स Uh, बहुत सारे uh, बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है uh, क्या ये बैच मैम हिंदी मीडियम में रहेगा या इंग्लिश मीडियम में रहेगा हम तो बहुत कमजोर हैं uh, बहुत सारे बच्चे तो अभी लिख रहे हैं मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ अब मैं तो बहुत गलतियां करता हूँ तो घबराना नहीं है यार सबसे पहला ही मैं रूल ही आपको समझा देती हूं डू मिस्टेक्स आप जब तक गलतियां नहीं करेंगे तो सुधरेंगी कैसे और अगर आपको आती होती तो आप अभी क्यों देख रहे होते भाई सीधा सा क्वेश्चन है तो एक दूसरे से भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है किसी को नहीं आती है और दूसरी बात आपको आती तो है बस आपके अंदर से निकलवाने की जरूरत है कुछ चीजें आपको सिखाने की जरूरत है कि हम स्ट्रक्चर ही फ्रेम नहीं कर पा रहे पर मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगी कि आपको आती है अच्छा क्या क्या तरीके रहेंगे वॉट द मैथर्स यस यार रीडिंग लिसनिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आप मुझे बताइए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आज से पहले भी आपको कोई लैंग्वेज आती है आती है अभी संतोष रोशनी ऋतिक पाल जैनिब रमीशा दानिश संतोष कोई लैंग्वेज तो आती है आप भी तो एक लैंग्वेज ही इसमें लिख रहे हैं गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग मैं भी कमजोर सब कमज़ोर है मैं भी कमज़ोर हूं कमजोर हूं तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं मैं आपको बेसिक से ही सिखाने वाली हूं और अगर मैं ऐसा मान लूँ कि सिर्फ मेरे दिमाग में सपोज हो जाए कि आती है इन्हें तो और मैं एडवांस लेवल पे ले जाऊं तो फिर आप क्यों सीखेंगे आप क्यों यहां पर हैं तो इसके बारे में डोंट वरी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मैं तो ऐसा बिल्कुल भी आपको फील ही नहीं आने दूंगी कि मैं आपसे कुछ अलग हूं ऐसा कि एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप बोलिए सीखिए जैसा हम क्लास में करते हैं ऐसा ही हम पूरे बाच में करते हैं कहीं से भी आपको थोप थोपा नहीं जाएगा आपके ऊपर कि नहीं तुम ऐसा करो नहीं आपको मैं एक एक चीज सिखाऊंगी एकदम बेसिक से सिखाऊंगी अच्छा आपने बोला किसी को कुछ आती है किसी को कुछ आती है बहुत सारी लैंग्वेज आती है आपने किसी लैंग्वेज को सीखा डेफिनेटली आपने इन चार मैथड्स को यूज किया है आपने उसकी रीडिंग भी की है लिसनिंग भी की है राइटिंग भी की है स्पीकिंग भी की है तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपने बैच में सिर्फ स्पीकिंग की बात करूं सिर्फ बोलने की बात कर दूं और ये तीन चीजें किसी भी लैंग्वेज को अगर कंप्लीट सीखना है तो ये चारों चीजें ही इंपॉर्टेंट है आपको रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग भाई ये तो फिर भी चौथा मैं पिलर बोलूंगी सबसे पहले तो आप सुनने पर पढ़ने पर लिखने पर जब तक आप ये भी नहीं जानते बहुत सारे आ, होंगे यहां पर पर्सन मुझे एक बार आंसर दीजिएगा क्या न्यूज आप पढ़ते हैं डू यू अंडरस्टैंड द न्यूज पेपर न्यूज पेपर लैंग्वेज कुछ कुछ थोड़ा बहुत नहीं and all, मतलब ऐसा कुछ थोड़ा आता है हिंदू नहीं आता है ना तो ये क्या है हमारा इसका मतलब हमारा तो रीडिंग स्किल भी अच्छा नहीं है और फिर अगर आपको एक्सटेम्प्री में कोई टॉपिक लिखने को दे दूं तो आप लिख पाएंगे एक दो लाइन के बाद बस दिमाग में थोट आना ही बंद हो जाएगा यही कारण है आप चीज को सोच ही नहीं पाते देखिए ट्रांसलेट करके तो इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश जब तक आप इंग्लिश में uh, सोचेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे कैसे तो सोचना सीखना पड़ेगा आप ट्रांसलेशन पे नहीं जाएंगे बट डोंट वरी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इंग्लिश का यूज करने वाले हैं आई नो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो uh, मैं पॉइंट बोलूं वो हिंदी है तो हम हिंदी की हेल्प जरूर लेने वाले हैं अच्छा दूसरी चीज क्या आपको एकदम जीरो से इंग्लिश सीखनी है पहले अच्छा आंसर दो मुझे पहले आप लोग आंसर दो क्या एकदम बेसिक से इंग्लिश सीखनी है क्या यस yes, बेसिक से सीखनी है बेसिक से एकदम जीरो से ये पी के प्रकाश संतोष एकदम एकदम जीरो से सीखनी है वीर यूट्यूब पे तो नहीं ये मानव मानव जी मैंने आपका कमेंट पहले ही पढ़ लिया कि मुझे पता ही नहीं था मैं खूबसूरत हूं पर थैंक यू सो मच बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस 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 एकदम बेसिक से सीखनी है ना एकदम बेसिक से क्यों तुम्हें आती नहीं है क्या मैं आपको बोलूं अगर आपको वोटिंग आ, आपको इस एलई को यहां पर लगा दू ना तो आपने पता क्या आंसर दिया है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट्स मुझे आंसर दे रहे हैं अभी एवरीवन, यस मैम कहां से सीखने एकदम जीरो से सीखने एकदम बेसिक क्या है ये जीरो और बेसिक बिल्कुल नहीं आती क्या अरे आती है मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगी आपको आती है आपको बस एक पुश नहीं मिल रहा लाइफ में ना किक कहते ना किक तो आपको बस वो नहीं मिल रही एक इन्वॉर्वमेंट नहीं मिल रहा एक तरीका नहीं मिल रहा कि हम कैसे बोलें कैसे शुरू कैसे करें है ना स्टार्ट ही करना नहीं आ रहा बाकी आपको आती है तो यस कहना छोड़िए आपको एकदम बेसिक से सीखने की जरूरत नहीं है मैं बताती हूँ आपको कौन से बेसिक से सीखने की जरूरत है अच्छा मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ आपके सामने एक स्टोरी दिखाई जाएगी उस स्टोरी को मैं बिल्कुल भी समझाने नहीं वाली हूँ आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन से एकदम ध्यान से एकदम पूरा मतलब जितना आप में ताकत है ना समझने की उतनी लगा दीजिएगा उसके बाद मैं कुछ आपसे पूछती हूँ उसका आंसर अगर आपने ठीक दिया तो इसका मतलब यह है कि फिफ्टी तो आपको पहले से आती है सब अभी की अभी 50 परसेंट सिखाऊं आज ही आज में सिखा दूंगी अभी देखो आप सबने बोला है कि हमें एकदम जीरो से सीखनी है ऐसा ही बोला है इसका मतलब आज की क्लास में ही मैं आपको एहसास दिला सकती हूँ कि आपको 50 परसेंट इंग्लिश तो आती है सीख देखना चाहोगे देखना चाहोगे भाई इतने सालों से जब से तुमने ए बी सीरीज सीखा तब से तुम इंग्लिश को जानते हो और ये सब भी तो इंग्लिश में लिखा है तो ये तो जानते हो आपको 50% परसेंट अभी रेडी आर वन रेडी अगर आप रेडी हैं तो प्लीज मुझे लाइक like का बटन प्रेस कर दीजिए और मुझे बताइए यस वी आर रेडी आर यू रेडी गाइज चलिए मैं शुरू करती हूं और आपको अभी 50% अगले पांच मिनट में सिखा देती हूँ इतना तेज सिखाने वाली मैडम मिलेगी नहीं कि पांच मिनट में फिफ्टी परसेंट इंग्लिश एक्चुअली टोटल गेम है ना लाइफ में कॉन्फिडेंस का है और कुछ भी नहीं चलिए शुरू करती हूं आपको एक स्टोरी आपके सामने सुपरमार्केट। मार्केट uh, मैं सिर्फ बोलूंगी और आपको सिर्फ पढ़ना है या फिर सुनना है या फिर रीड करना है या फिर लिसन करना है आफ्टर डेट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और फिर मुझे बताइएगा आप समझते हैं क्या इंग्लिश को इंग्लिश में लिखा है ना हिंदी कुछ भी नहीं है लास्ट सच डे आफ्टरनून किटूज मदर डिसाइडेड टू गो शॉपिंग शी किटूज हेल्प सो दे कॉट बस टू टाउन पढ़ लिया एक बार पढ़ लें तो फटाफट बताइएगा मैम स्लाइड चेंज करिए अगर किसी को थोड़ी दिक्कत है पढ़ने में तो एकदम स्लो पढ़ सकते हैं जब तक समझना है लास्ट सैटरडे आफ्टरनून क्या हुआ किस मदर क्या किटूस मदर वॉट डिसाइडेड टू गो शॉपिंग ओके शी आस्ट किटूस हेल्प एंड सो दे कॉट बस टू टाउन अंडरस्टैंड डू यू अंडरस्टैंड होल पैसेज Next, the bus stopped near a supermarket. The bus stopped near a supermarket and they went inside. They. Who is they here? They can indicate. Karra? And they went inside carrying a bag. bag Kittos was not very happy because he hates shopping. गोर से हर एक लाइन पर कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन हो सकता है आप फिर 50% परसेंट की दौड़ में पीछे रह जाएंगे मैं आपको 50% परसेंट सिखाने वाली हूँ ना पांच मिनट में तेज परसेंट यार कहीं पे भी नहीं हो सकता सच्ची बता रही हूँ है ना अगर आपने कुछ सीख गए कुछ रह गए तो गलत हो जाएगा मानव जी बस थैंक यू सो मच आगे किट वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ही थिंक्स इज बोरिंग क्लियर? आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ती हूं नेक्स्ट क्या होता है इन साइड द शॉप किट मदर पिक्ड सम गुड्स डेट दे नीड इट फ्रूट ब्रेड सम वेजिटेबल बट शी कुडेंट फाइंड एनी राइस बस उसको क्या नहीं मिला बाकी तो सब चीज ठीक थी फ्रूट एंड ब्रेड एंड वेजिटेबल बट शी फाइंड एनी राइस राइस तो आप समझते हैं मैं नहीं बताऊंगी किट्टू uh, क्या करता है फाइनली फाउंड आउट नियर द सीरियल सीरियल्स का मतलब अनाज का अनाज होता है मैं एक वो आपको बता देती हूं हिज मदर वॉज प्लीज प्लीज का मतलब हैप्पी होता है किट्टू ने यहां पर मम्मी के लिए राइस ढूंढ दिया है इतनी सी बात है बताइए बताइएगा मुझे यहां तक समझ में आया यस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूं देन किट्टूस मदर आस्ट हिम टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ कोक किट्टू वेंट लुक फॉर इट बट द बॉटल्स वर इन अ डिफिकल्ट प्लेस सो ही हैड टू क्लाइंब ऑन अ बॉक्स टू रीच फॉर इट व्हेन ही जम्प डाउन ही फेल एंड हर्ट हिज लेग डन क्लियर खुद को देख लीजिए फिफ्टी परसेंट आता है दस परसेंट आता है थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी कितना आता है कितना आगे करें यस yes? क्लियर जब आपका पूरा हो जाए कंप्लीट तो थम्स अप भेजना होता है आगे क्या होता है टू कॉम्पन टू कॉम्पनसेट हिम मतलब कि अब बच्चा गिर गया है आ, कोक लेने के चक्कर में तो माँ को थोड़ा कॉम्पनसेट करना पड़ा उसको मनाना वनाना कि हाँ चलो गिर गया है कि टूस मदर बोट खरीदी क्या हिम एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम हिज लेग वॉज हर्टिंग अ लोट सो हिज मदर फोन किसको फोन किया किटूस फादर उन्होंने क्या किया डेट केम ड्राइव दैम होम उन्हें क्या किया ड्राइव दैम होम मैं नहीं बता रही होता went to bed to rest his leg. Achha, है मैंने कोई ट्रांसलेट भी नहीं किया सिर्फ आपको दिखाई है वो भी कुछ ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं दिखाई है और क्या आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं जो आपके सामने है आई यू रेडी यस मैम क्लियर पीयूष पाल जी क्या आपको समझ में आई स्टोरी अपने आप को देख लीजिएगा फिर मैं भी बता दूंगी हाँ जी फिर क्या हुआ चलिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है क्या आप मुझे येस और नो में आंसर दे सकते हैं छह के छह क्वेश्चन का अब आपकी बारी है ना मेरी बारी यहां पर पूरी हो जाती है आप मुझे बताइए क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं Kittu and his mother uh, went to the cinema. went to the cinema. Yes. Or no. They went to town by, by train? Yes or no. Kittos enjoy shopping. The rice was near the cereals. They also bought a bottle of wine, they bought wine मेरा कोई पॉइंट नहीं है मैं तो अभी पढ़ाना ही नहीं शुरू किया मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि आपको कितनी इंग्लिश आती है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर को और डॉक्टर को डॉक्टर को आपकी बीमारी टीचर को आपकी बीमारी पता होनी चाहिए उनसे छुपाओ मत कुछ भी अगर किसी को समझ में आया ठीक है नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूं जैसे अभी था मैं तो आपको बेसिक से मतलब वो भी समझाऊंगी जो आपको आता है है ना तो मेरी तो ड्यूटी है हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास है बस मैं आपको ये दिखाना चाहती हूं कि आपको इंग्लिश आती है तो ये एक डरना अंदर से ना एक खौफ निकाल दीजिए कि मुझे तो आती ही नहीं है सबने आंसर दिया अब मैं आपको आंसर दे देती हूं सबने अपने आपने क्वेश्चंस के आंसर दे दिया होगा जी पूजा अजीत अमीर मानसी दीपचंद श्रेया दिनेश वी व्लॉग्स, आप सबने आंसर दे दिया अपने अपने तरीके से अब आपके सामने कुछ आंसर है और अपने अपने मैच कर लीजिए क्या आपके आंसर यही है कि और उसकी माँ सिनेमा गए थे नहीं, सिनेमा नहीं थे, वो तो सुपर मार्केट गए थे दे वेंट टू टाउन बाई ट्रेन ट्रेन से गए थे या बस से गए थे ट्रेन से तो नहीं गए थे मैम नो किटो इज शॉपिंग नहीं उसने तो उसने तो बोला था इज बोरिंग तो ये भी नो द राइस वॉज नियर सीरियल्स हाँ जो राइस थे वो अनाज के पास थे यस दे ऑल्स वो जो बोटल ऑफ वाइन शराब खरीदी उन्होंने नहीं 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 शराब थोड़ा ना खरीदेंगे सुपर मार्केट में तो नो और किट्टू के पापा उन्हें घर ले गए यस मुझे लगता है आप अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिए और मुझे आ, बस एक इंडिकेशन दे दीजिए कि मैम इतना परसेंट तो हमें आता था इन क्वेश्चंस में से हमें इतने क्वेश्चंस आते थे मैंने कुछ नहीं बताया ना ही मैंने ट्रांसलेट किया है यस yes, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हाँ वो अंडरस्टैंड कर पाए अगर इससे आगे कुछ बच्चे अपने आप को चेक करना चाहते हैं तो वो इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं व्हेन डिड किट्टू एंड हिज मदर गो शॉपिंग कब गए थे वो आई थिंक लास्ट सैटरडे राइट डज किट्टू लाइक शॉपिंग पसंद था उनको नहीं वाई डिड किट्टू क्लाइम ऑन अ बॉक्स वॉट हैपन वेन ही जम्प डाउन वट डिड हिज मदर बाय हिम वाई डिड किट्टूज मदर फोन हिज फादर सब आपकी कोर्ट में बोल है मैंने तो अपना एफर्ट अभी डाला ही नहीं मैंने तो आपको समझाया तक भी नहीं स्टोरी क्या है अब आप अपना जजमेंट करिए क्योंकि देखिए सबसे पहले टीचर हो या डॉक्टर पहले आपकी बीमारी समझेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं मैंने अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया है है ना मैंने वैसे भी बोला कि आज की क्लास में मैं कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि आपको क्या आता है अब अपने अपने मार्क्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िए कि हमें फिफ्टी समझ में आई एट्टी समझ में आई हंड्रेड समझ में आई क्या मतलब लेवल कहाँ है कहां से हम अब अपलिफ्ट हो सकते हैं कहां से उठाए मैं हर एक बैच में ट्राई करती हूं कि सबसे पहले यह समझू कि बच्चों का लेवल क्या है राइट बहुत सारे स्टूडेंट है जो नाइन्टी पे है अच्छा अब मुझे तो थोड़ा ही सिखाना है उनको टेन परसेंट ही है बाकी तो सब हो जाएगा क्या अच्छा चलिए आपको कुछ सिखा देते हैं फिर देखिए अच्छा मैं आपसे बोलू मैं टीवी देखती हूँ आई वॉज टीवी आई राइड अ बाइक आई ईट कैंडी आई टेक पिक्चर आई प्ले पियानो ये यहां तक तो बात ठीक है मतलब जस्ट मैं अपना नॉर्मल देखिए आई बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप बात करते हैं ना स्पोकन इंग्लिश जब भी हम ये बात करते हैं कि हाँ आप सबसे ज्यादा पता है किसके बारे में बोलते हैं अपने बारे में तो आई बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? अब आप बोले कि आई वॉच टीवी आई राइड अ बाइक आई ईट कैंडी आई टेक पिक्चर आई प्ले पियानो अब इसी सेंटेंसेस सेंटेंसेस में ये सारे हो सकता है कि आपको नॉर्मल लग रहे हो कि आसान है अगर मैं ऐसा बोल देती मैं कभी कभार टीवी देखता हूं अगर मैं बोलती मैं कभी टीवी नहीं देखता या मैं बोल देती और मैं हमेशा टीवी देखता हूं है ना और या मैं कह देती कि हाँ देख लेता हूं या हमेशा या कभी कभार या फिर ऐसे ऐसे वर्ड्स का अगर मैं यूज करती या कभी कभी देख लेता हूं या फिर कभी नहीं देखता हूं तो आपको नहीं लगता कुछ ऐड हो जाता टीवी देखना बाइक चलाना कैंडी खाना पिक्चर लेना पियानो बजाना अगर मैं इनमें कुछ ऐड कर दूं तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे ही क्लासेस में छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगी और आप उनको यूज कर देंगे देखिए आपके सामने चार वर्ड हैं ऑलवेज समटाइम्स यूजली नेवर है ना ये एडवर्ड आपको कोई मतलब नहीं खैर ग्रामर से पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑलवेज का यूज हम जब करते हैं जब कोई काम हम हमेशा करते हो समाइम्स का यूज हम करते हैं कभी कभी आप करते हैं ठीक है यूजली आमतौर पर मतलब करता ही हूं बट ऑलवेज uh, की तरह नहीं और नेवर की तरह भी नहीं यूजली करता हूं कभी कब आमतौर पर करता रहता हूँ ये काम तो मैं है ना और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं करता तो मैंने बोला वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको मैंने वोकैब्लरी बता दी अब आपको कुछ देती हूँ भरूंगी आप सबका आंसर अलग होगा कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है कि इसमें आंसर सेम हो किसी का आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं मुझे अपने लिए भरिएगा जैसे मैं बोलूं आई समाइम्स वॉच टीवी आई राइड अ बाइक आप भी अपना भर सकते हैं लेकिन समझ के भरिएगा ऐसा नहीं कुछ भी भर दें। आप टीवी कैसे देखते हैं हमेशा देखते हैं समटाइम्स देखते हैं यूजली देखते हैं नेवर देखते हैं कभी नहीं देखते आ, देखते ही रहते हैं कभी कभी देखते हैं या हमेशा देखते हैं आई ऑलवेज आई यूजली वॉच टीवी आई यूजली राइड अ बाइक ओके वेरी गुड तो जिसको जो लगे हर कोई पार्टिसिपेट करे देखिए ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि आप पार्टिसिपेट नहीं करें क्यों ये चार्ट रेट अभी 500 क्यों भाई ये तो गलत बात है ना अगर आप 2200 बच्चे हैं तो फिर आपको तो सबको इतना तो पता होना चाहिए कि आप टीवी कब देखते हैं आप अपने बारे में बता रहे हैं यार अपने दोस्त को बता रहे हैं कि आई नेवर वॉच टीवी मैं कभी नहीं देखता आई सम टाइम्स आई यूजली वेरी गुड अच्छा ऐसे ही अगले सेंटेंसेस में ट्राई करेंगे कैंडी का देखिएगा देखिएगाट कैंडी एंड टेक पिक्चर आई यूजली टेक पिक्चर आप भी अपना भरिए ना अपने अकॉर्डिंग भरीगा मेरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है आप जैसा फील करते हैं आप कैंडी खाते हैं हमेशा खाते हैं कभी नहीं खाते हैं या कभी कभी खाते हैं वेरी गुड इसका मतलब हम सब कोशिश कर सकते हैं ईट कैंडी आई ऑलवेज टेक पिक्चर या फिर आई यूजली टेक पिक्चर हो सकता है आप में से आई नेवर टेक पिक्चर ऐसा तो कोई होगा नहीं जो ऐसा बोले आई नेवर टेक पिक्चर है ऐसा कोई अच्छा कुछ और आई नेवर मेक डिनर आई ऑलवेज डू माई होमवर्क आप भी अपना कुछ यूज कर सकते हैं अपने लिए यूज करेगा always... देखिए पहले वाले में तो सब नेवर भरने वाले हैं शोर क्योंकि आप में से कोई डिनर नहीं बनाता होगा और ये आपको करना पड़ेगा अगर आप बैच का हिस्सा है आपको जो होमवर्क मैं दूंगी मैं डेली चेक करना है मैंने और डेली आपने होमवर्क करना है अगर आप नहीं करेंगे ना एकदम छोटा बच्चा बनना है क्योंकि जब आप कुछ सीखते हैं तो उसमें कई बार मुझे ऐसा सलाह दे दी जाती है कमेंट सेक्शन में कि आप बेटा ना कहा करें और बच्चे मत कहा करें स्टूडेंट्स ना कहा करें या फिर ऐसा कुछ तो एज में बड़े हैं आपसे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे एज में बड़े हों पर आ, This is bad, या फिर किसी भी एजुकेशन की हम बात करें तो इट्स अबाउट टीचर एंड अ स्टूडेंट कनेक्शन तो स्टूडेंट तो है ही ना तो इस चीज का बुरा ना मना करें मुझे पक्का पता है यू ने मेक डिनर आई एम श्योर अबाउट इट पर आपको ये होमवर्क डेली करना पड़ेगा आई समाइम्स आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ओके आई समाइम्स रवि जी कहते हैं कभी कभी ओके okay, नेवर झूठ बोल रहे हो ये जो बोल रहे हैं ना आई ऑलवेज मेक डिनर झूठ बोल रहे हैं लड़के तो बिल्कुल नहीं अच्छा पियानो के लिए तुम्हारा क्या ख्याल है पियानो कैसे बजाते हो बजाया तुमने पियानो बजाते हो ऑलवेज हमेशा बजाते हो कभी कभार बजाया है इसमें भी सबको मैक्सिमम लोगों का नेवर होना चाहिए क्या कहते हो या फिर स्केटिंग इसके लिए भी हो सकता है नेवर ही हो या फिर हो सकता है किसी ने समटाइम्स की भी हो या फिर जो भी आपका जैसा हो आप अपने में यूज कर सकते हैं आप महसूस कर रहे होंगे यस आई ऑलवेज रीड अ बुक आई समटाइम्स रीड अ बुक आई यूजली रीड अ बुक आई नेवर रीड अ बुक तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस या फिर आपके अकॉर्डिंग है ना तो सारे ठीक है ऑलवेज भी समटाइम्स भी यूजली भी नेवर भी कुछ गलत तो है नहीं इसके अंदर या कुछ गलत है इसका मतलब गलत कुछ नहीं होता आपका पैटर्न है ना यार आप क्या करते हो उसके अकॉर्डिंग आपने फील कर दिया तो आपको वोकेबलरी फ्रेजेस की आवश्यकता है जो आपके सिंपल सेंटेंसेस को आप बोले टीवी देखता हूं तो आई वॉच टीवी लेकिन आपके दिमाग में आ जाए कि मैं ना कभी कभी टीवी देखता हूं ऐसा कुछ तो आप यूज करेंगे आई वॉच टी वी बट क्या 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 समटाइम्स नहीं याद आ रहा तो ऐसे फ्रेज़ेस ऐसे वोकेबलरी होती है जिसके एडिशन से आप अपनी बात को आसानी से कह पाते हैं ठीक है आज की क्लास में मैं आपको एक छोटा सा सेशन और देना चाहती हूँ आप तीन वर्ड्स में बहुत तीनों वर्ड के बारे में बात करेंगे गोइंग टू गोना गोना गो क्या है ये आपने देखा होगा लोगों को बोलते हुए देखा होगा आई एम गोना रीड बुक गोना गेट अ पार्टी ऐसा गोना गोना वर्ड बहुत यूज किया जाता है वैसे एक्चुअली ना अगर अभी देखो मैं शुरू में आपको बोल रही थी ना कि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है देखिए ये ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड है ये तो रॉन्ग वर्ड है गोना जो वर्ड है ये रॉन्ग वर्ड है फिर भी स्पोकन में गोइंग टू कम यूज किया जाता है और गोना वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है क्यों यूज तो तो, तो कर रहे, फिर इतने नेटिव स्पीकर क्यों यूज़ कर रहे इसका मतलब जो मैंने पहली लाइन कही थी कि बहुत ज्यादा स्टिक मत रे की ये तो ग्रामेटिकली गल, गलत हो गया ये तो अच्छा सही हो गया नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है आपको स्पोकन को ग्रामर से थोड़ा अलग करके देखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी है जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं पर एक लाइन उनसे बोल दो ना एक लाइन उनसे नहीं बोली जाती तो ग्रामर इतना ज्यादा लोड मत लीजिएगा कि मुझे ग्रामर नहीं आती मैम मैं कैसे बोलूंगा आप बोलेंगे देख लीजिएगा मैं बिना ग्रामर के भी आपसे इंग्लिश बुलवा सकती हूँ ठीक है तो आज मैं इन इनके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि कैसे गोइंग टू वर्ड यूज किया जाता है कैसे गोना वर्ड यूज किया जाता है कैसे गोना गो वर्ड यूज किया जाता है रेडी जी जैसे कि हम कह सकते हैं आई एम गोना ऑर्डर अ पिज्जा मैं एक ऑर्डर पिज्जा पिज्जा ऑर्डर करने वाला हूं जब भी आप कोई फ्यूचर में कोई काम करने वाले हैं तो उस सेंसेस में गोइंग टू या गोना वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर आप इसी सेंटेंस को कह सकते थे या फिर आप इसी सेंटेंस को कह सकते थे आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ पिज्जा कि मैं पिज्जा ऑर्डर करने वाला हूं या फिर आप कह सकते थे अगले सेंटेंस में देखू शी इज गोना बाय अ बुक वो एक किताब खरीदने वाली है इसी इसी सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता था शी इज गोइंग टू बाय अ बुक तो आप देखिए महसूस करिए देखिए, जहां पर गोइंग टू वर्ड यूज किया जाता है वहीं पर गोना वर्ड भी यूज किया जा सकता है ठीक है जहां पर भी मैंने बोला शी इज गोना बाय अ बुक इसको मैं ऐसे भी बोल सकती थी शी इज गोइंग टू बाय अ बुक तो गोइंग टू को बोलने में ग्रामेटिकली ठीक है गलत है वर्ड एवर वो कंसर्न नहीं होना चाहिए आपकी स्पोकन में अगर आप फ्लुएंट दिखाना चाहते हैं नेटिव सा दिखाना चाहते हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं क्या गोना क्या यूज करते हो गोना वर्ड यूज करते हो चलो बनाओगे कुछ सेंटेंसेस इसका मतलब होता है करने वाला हूं मतलब नियर अबाउट फ्यूचर में कोई काम आप करने वाले हैं ना डिसाइड कर चुके हो आप पहले से अच्छा मैं बोलूं आपसे मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं चलिए आपकी बारी है अभी सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसे बोलेंगे इसे मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं बनाओ जल्दी जल्दी फास्ट हर कोई बनाएगा ना मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं आप कैसे बोलेंगे इसे आई एम गोना रीड बुक ऐसा देखिए बहुत गलत बहुत गलत जो लोग ऐसा बना रहे हैं आई एम गोना टू रीड अ बुक गलत बात गलत बात सिखाने के बाद भी गलत बात देखिए बच्चे जो गोइंग टू वर्ड है गोइंग टू इज इक्वल टू गोना आप जब गोइंग टू वर्ड यूज करते हैं कि जा रहा हूं जाने वाला हूं मैं किताब पढ़ने जा रहा हूं आई एम गोना आई एम गोइंग टू रीड बुक या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गोना रीड बुक पर आप गोना के साथ टू को यूज नहीं करेंगे देखिए बहुत सारे बच्चों ने कर दिया बहुत गलत बात गलत बात गलत बात ठीक करो ठीक करो करेक्टेड प्लीज अच्छा ठीक है आप आगे गलती नहीं करना नेक्स्ट सेंटेंस पूछू मैं धूम्रपान बंद करने वाला हूं अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं स्मोकिंग छोड़ने वाला हूँ मतलब अभी ना तो छोड़ी है आ, ना अभी छोड़ रहा हूं मतलब छोड़ना मतलब डिसाइड कर लिया कि बस अब मैं नहीं पीऊंगा है ना मैं ऐसा करने वाला हूँ तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप इसे कहेंगे यस गोना इज इक्वल टू गोइंग टू एवरी वन देखिये प्लीज हर कोई ट्राई करेगा तो सेंटेंस को बना पाएगा मैं धूम्रपान बंद करने वाला हूं आप इसे कहेंगे आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग या फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्टॉप स्मोकिंग बट प्लीज गोना के साथ टू वर्ड को ना यूज करे क्योंकि गोइंग टू इज इक्वल टू गोना ठीक है आई एम गोना स्टॉप स्मोकिंग नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है मैं उससे शादी करने वाला हूं अभी की नहीं है आपने आप कह रहे हैं मैं उससे शादी करने वाला हूं डिसाइड कर लिया है बस होने वाली होगी कैसे कहेंगे वेरी गुड आकाश दीपक राजू लवली जी सरिता सुरेश निमिता आकाश कृष्णा वेरी गुड बहुत बढ़िया मैं उससे शादी करने वाला हूं कैसे कहेंगे आप इसे देखिए की नहीं है अभी है ना

उससे शादी करने वाला हूं उससे की जगह कोई नाम भी हो सकता है जिससे आप करने वाले हो तो उसका नाम भी आप यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आई आई एम एम मैरी हर चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाएगा मैं खाना खाने जा रहा हूं तो आप क्या कहेंगे ईट फूड मैं क्या करने वाला हूं खाना खाने जा रहा हूं आई एम गोना ईट फूड नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने क्या तुम मेरी वीडियो देखने वाले हो मैं ही पूछ रही हूं आपसे क्वेश्चन क्या तुम मेरी वीडियो देखने वाले हो अब यहां पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सिंपल है अगर जिन लोगों को आता है वो तो बना दिए जिसको नहीं आता उन्हें सिखा देती हूं जिन्हें सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन क्या आती घबराहट हो गई हो अगर आपको घबराहट हो गई हो तो रुकिए, घबराना बंद करिए पहले इस क्या को भूल जाइए और आप मुझे बताइए तुम मेरी वीडियो देखने वाले हो तो आप बनाएंगे यहां पर आप लिखने की कोशिश करेंगे यू राइट यू के साथ आप यूज करेंगे आ गोना टू यू आर नो टू नो टू आप क्या यूज करेंगे गोइंग टू आर गोइंग टू वॉच माई वीडियो ऐसा बोलोगे राइट right? अब तुम्हें क्या करना है इतना तो आपने बना दिया अब जब आपने ये बना दिया जब आपने बोला यू आर गोइंग टू या फिर गोइंग टू की जगह मैं लगा दूंगा ना वॉच माई वीडियो राइट इतना तो सबको आता है ये तो सबने बना दिया ना अरे मत छोड़ो ना तुम क्वेश्चन पे मत ध्यान दो एकदम ना परेशान मत दो करो कि इंटारोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाओ एक तो रट्टा बनवा इंटारोगेटिव अरे ठीक है ना आप जब यहां पर क्या वर्ड आ जाए ना तो कुछ नहीं करना इस आर को यू और यू को आर बना दो सेंटेंस बन जाएगा आप बोलेंगे इसे देखिएगा मैं ऐसा ही करूंगी सिंपल और सेंटेंस बन जाएगा आप इसे कहेंगे आर यू गुना वॉच माई वीडियो सिंपल भाई क्या किया अगर ये क्या नहीं था तो तुम लिख सकते थे यू आर भाई ये एक जादू ही है बहुत सारे बच्चे एकदम जो कह रहे हैं ना बेसिक से सीखना है बेसिक से सीखना है कुछ नहीं है बेसिक जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो यू आर लिखते हैं जब आपको क्या वर्ड हमने लगा दिया तो उल्टा कर देना आर यू सब चीजें ठीक हो जाएंगी हर टाइप का इंटेरोगेटिव ठीक हो जाएगा टेंशन ही नहीं लेनी है टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है मैरिज हर नहीं होता मैरिज मतलब शादी शादी करने को आप मैरी वर्ब होती है मैरिज शादी होती है है ना उसे नहीं यूज करेंगे समझ में आया अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कुछ नहीं आप यू आर जैसे नि, निकल है ना मुंह से तो उसको आर यू बना दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व अच्छा ऐसे ही सेंटेंसेस में आज मैं मेरे दोस्त से मिलने वाला हूं कोई आने वाला है और आप उससे मिलने वाले हैं कॉमन फास्ट आप क्वेश्चन बनाएंगे सब हर कोई हर कोई ट्राई करेगा देखिए मैं तो सबको पढ़ा रही हूँ ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैं सिर्फ एक हजार बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ ये बाकी के पंद्रह सौ बच्चे क्या कर रहे हैं भाई ये आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं क्या उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा देखिए अब बता चुकी हूँ गोइंग टू और गोना वर्ड यूज करना और कुछ भी नहीं मैं आय क्या करने वाला एम गोरा क्या एम गोना थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे भी जब आप लिख रहे हैं ना तो साथ में बोलेंगे भी एम गोना मीट माई फ्रेंड टुडे है तो टुडे है सिंपल टुडे आई एम गोना मीट माय फ्रेंड बोल भी रहे हैं आप ऐसे भी नहीं बोलना है ना आई एम गोना ऐसे नहीं बोलना आई एम गोना है ना आई एम गोना मीट माय फ्रेंड वेरी गुड बहुत बढ़िया सबने ही बना दिया है क्या अच्छा मैं एक बार देख लूँ किस किस ने बना दिया है शाहिद नीतीश गौरव अरुण रेनू आकाश निशा वेरी गुड निशा वेरी गुड सूरज स्टडी मोटिवेशन जी बहुत बढ़िया सब बना दिया है वेरी गुड क्या बात है शाबाश हर कोई हर कोई वाह 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 वा, बहुत बढ़िया बस ऐसे ही बस कॉपी पेस्ट करना है यार आपने देखा कि मैं करने वाला हूं करने जा रहा हूं आज ही सीख लो और आज ही ना कहीं ना कहीं यूज कर देना जैसे अगर आपको याद हो आ, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्लास की स्टार्टिंग में ही डेफिनेटली मैं हर एक क्लास में इसको यूज करती हूं Uh, जैसे या तो बोलूं वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोकैबलरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू क्लास ऐसे बोला होगा मे बी स्टार्टिंग में है ना तो वी आर गोइंग टू का मतलब है कि हम करने जा रहे हैं मतलब करने ही वाले हैं बस इसीलिए तो मैं बार बार बोल रही थी We are going to discuss all the questions. ऐसा कुछ बोला होगा याद करिए शुरू में जाके देख भी लीजिएगा कहीं ना कहीं जरूर बोला होगा जब भी हम कोई काम करने वाले होते हैं क्लास शुरू करने वाले होते हैं तो डेफिनेटली हम गोइंग टू या गोना वर्ड ही तो यूज करते हैं और क्या करते हैं देखिए अगर इसी सेंटेंस को आप कहें कि मैम इसे फॉर्मल वे में भी सेंटेंसेस आपको ऐसे लिखना आ जाए कहीं कुछ लिखना आ जाए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस में आपको जाना है तो उनके सबके लिए एक बैच बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार 20 फरवरी से लॉकडाउन हटाने वाली है अभी डिसाइड हो चुका है कि बीस फरवरी से लॉकडाउन हट जाएगा वैसे हट ही गया है पर मतलब सेंटेंस है ये तो आप इसे कैसे कहेंगे चलो कोशिश करो हर कोई अपनी मैक्सिमम अपना हंड्रेड परसेंट ट्राई करेगा आ, सरकार है तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के साथ क्या ओके गोइंग टू तो मुझे पता ही है लॉकडाउन हटाना लॉक का अनलॉक फिर क्या कब से ट्वेंटी फरवरी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मैं बस शिद्दत से बढ़ाती हूँ अच्छा तो बस आपकी ही बात है द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अनलॉक फ्रॉम 20th ऑफ फैब राइट सबने यही बनाया है वेरी गुड चलिए अगला सेंटेंस पूछती हूं मुझे लगता है बारिश होने वाली है ऐसा भी होता है आपके साथ मुझे लगता है बारिश होने वाली है सब ट्राई करेंगे मुझे लगता है को कहते हैं आई Think, और बारिश वारिश तो आपको आता ही होगा रेन पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो गई होगी को को बनाने में मुझे लगता है, मुझे लगता लगता है है आप इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक अब आप आगे क्या कहेंगे बारिश होने वाली है क्या कहना चाह रहे होंगे आप अपनी तरफ से ट्राई करिए फिर मैं आपको बताती हूं हमारे ना स्पोकन इंग्लिश में ना इट ना इट अपने आप में पूरा एक चैप्टर है क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत सारे फ्रेज ऐसे हैं जिन्हें हमें यही नहीं पता लगता कि स्टार्ट कैसे करें यहां पर मैं तुम तो थे नहीं कौन है बारिश होने वाली है तो ऐसे केस में आपको एक डमी सब्जेक्ट की नीड होती है और आप कह सकते हैं आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन क्या हो रखा क्या होने वाली है बारिश होने वाली है तो आप इसे कह सकते हैं आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन किसी ने ठीक बनाया क्या मतलब मेरे से पहले किसी ने बनाया ठीक इट्स गोना रेन वेरी गुड इट्स गोना रेन भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं है मतलब तुम्हें गोना ज्यादा पसंद, पसंद आ रहा है गोइंग टू ज्यादा पसंद आ रहा है क्या कहते हो कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है चलिए ठीक है जिसको भी जो पसंद आ रहा है उसे ठीक कर लीजिएगा अच्छा क्लास शुरू होने वाली है क्लास शुरू होने वाली है जैसे कि स्टार्टिंग में मैं कहूं कि फटाफट आ जाओ क्लास शुरू होने वाली है तो मैं कह सकती हूं कम ऑन हर द क्लास इज गोइंग टू बिगिन ऐसे ही बोलती हूँ ऐसे ही लिखा सिंपल ही आपको भी आ गया लो बोलना द क्लास इज गोइंग टू बिगिन आप गोना बिगन भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा अभी तीसरा कॉन्सेप्ट आता नहीं सॉरी अंदर आओ ट्रेन जाने वाली है तो आप बोल सकते हैं अंदर आओ गेट इन द ट्रेन इज गोइंग टू लीव ट्रेन छूटने वाली है ऐसा कुछ कहना चाह रहा है शायद और ट्रेन छूटने वाली है मतलब निकलने वाली है द ट्रेन इज गोइंग टू लीव नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने आप कहेंगे मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूं अब इसे बनाइए कैसे बनाएंगे मैं इसमें वेट करूंगी और डेफिनेटली आप ना सब गलत बनाएंगे तो ध्यान से है ना अभी एक ट्विस्ट है ये इतना हलवा सा नहीं है जितना कि अभी चल रहा था अभी आगे देखो मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूं सब सोच रहे होंगे कि मैं सब सही बना दूंगा और अब मैं चेक करने वाली हूं मुकेश रिंकू संजू जी कौन ठीक बनाएगा जी बिग फैन थैंक यू हां बताओ जल्दी-जल्दी फास्ट कम ऑन Uh, किसने बनाया सबसे पहले एम गोना न्यूयॉर्क यॉर्क एम गोना न्यूयॉर्क ओके कोई है ऐसा जल्दी एकदम जल्दी फास्ट 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 कम ऑन फास्ट पहला सेंटेंस देखना चाहती हूं मैं कौन बनाएगा सबसे पहले सेंटेंस कौन बनाएगा uh, बना दिया है राधा यादव विनोद कुमार ने एम गोना आपने ये ऐसा तो नहीं बनाया न्यूयॉर्क टूमोरो न्यूयॉर्क टूमोरो बहुत सारे लोगों ने बना दिया ऐसा देखिए जो गोइंग टू वाले थे ना उनका यहां पर ठीक हो गया है क्योंकि उन्होंने गोइंग टू यूज करा आप गोइंग टू की जगह पर आप में से कुछ स्टूडेंट ने यूज किया होगा आम गोन न्यू यॉर्क टूमोरो आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क टूमोरो ऐसा आपने यूज किया है अभी मैं बताती हूँ किसने गलत किया है एक इसमें गलत है एक इसमें सही है फिर आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था गोइंग टू को रिप्लेस करके गोना कर सकती हूँ फिर आप इसे गलत क्यों बता रही हैं? ऐसा कहने का मन कर रहा होगा अरे बोलो कर रहा है मन कर रहा है अभी देखिएगा दो मिनट के अंदर अगला आंसर दे दूंगी मैं आपको मैंने आपको कहा था यू कैन रिप्लेस गोइंग टू विद गौना राइट right. और अभी आप कह रही हैं माम ये तो गलत हो गया फिर आप हमें गलत क्यों कह रही हैं बहुत सारे बच्चों ने ये बना दिया होगा पर बच्चे गलत है इसका कारण अभी बता देती हूं आप इसे सेंटेंस को लिख सकते हैं आम गोना अगर आप गोना से लिखना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज गो हियर बिकॉज गो इज यर मेन वर्ब जब भी आपको गो मेन वर्ब लगे देखिए गो जब आप गोइंग टू यूज करते हैं ना गोइंग टू हेल्प गो ना हेल्प गो ना कुक गो ना रीड है ना गो ना वॉक तो बहुत सारे तो ये जो है ना ये हेल्पिंग दर्शाता है ये इसको हेल्प कर रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूं मैं ऐसा पढ़ने जा रहा हूं मैं चलने जा रहा हूं मैं सोने जा रहा हूं ये ना ये गोइंग टू और गो ना ये हेल्प कर रहा है पर आप देखिएगा यहां कह रहा है मैं कल न्यूयॉर्क जा रहा हूं यहां पर जो मेन वब है ना वो भी तो गो है तो ये गोना हेल्प किसको कर रहा है न्यूयॉर्क को आई यू एग्री विद मी डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया तो प्लीज सेंड मी थम्स अप या फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करूं क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूं पहला सेंटेंस आपका गलत है जिन लोगों ने भी समझ जिन लोगों ने भी बनाया है गलत सेंटेंस बनाया है जिन्होंने भी कहा आई एम गोना न्यू यॉर्क तो वो गलत कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने यहां पर किसी वर्ब का तो यूज ही नहीं किया और वर्ब तो गो है तो गो तो आपको यूज करना पड़ेगा फिर आप कहेंगे मैम टू क्यों लगा दिया गो के साथ टू लगाते हो आई एम गोना गो टू न्यूयॉर्क टूमोरो अगर समझ में आ गया है तो वेरी गुड मुझे लाइक का बटन जरूर आप प्रेस करिए सिंबल जरूर भेजिए मुझे यस मैम लाइक की संख्या बढ़ जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि मैं आपको समझा चुकी आज के बाद आप गलत तो नहीं करेंगे गोइंग टू को आप यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे एकदम फॉर्मल भाषा में जब आप गोना वर्ड यूज कर रहे हैं तो थोड़ा इनफॉर्मल हो गया फ्रेंडली वे में एक मिनट सचेत हो जाइए मीटिंग में बॉस के सामने ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑफिस में प्लीज डोंट यूज गोना गोना इज वेरी फ्रेंडली वर्ड वेरी इनफॉर्मल वर्ड इनफॉर्मल सेंस यू कांट यूज गोना आपका मेन वॉब है मुझे बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी आज मैंने कुछ ज्यादा शुरू नहीं किया जस्ट आपको सिखा रही हूँ की छोटी छोटी बातें होती है उनको एड करके ना हमारी इंग्लिश बन जाती है है ना पहला तो मैंने आपको एक स्टोरी मैंने नहीं समझाई कल से समझाऊंगी आज नहीं समझाई क्योंकि मैं आज देखना चाहती हूँ कि आपका लेवल क्या है जब मैं क्लास को कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको कितना परसेंट वो समझ में आई थी और जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो आंसर करेंगे पर कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला मैं आपको स्टोरी को समझाऊंगी भी आज सिर्फ आपके जजमेंट के लिए था कि आपको कितनी आती है अब आगे से मैं सोचूंगी आपको नहीं आती और मैं आपको उसको समझाऊंगी भी और हम ऐसे ही कुछ फ्रेजेस कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे बहुत प्यारे और एकदम एडवांस लेवल फ्रेजेस जिन्हें यूज करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे इंग्लिश आती इंग्लिश आना कोई टफ बात नहीं है यार छोटी छोड़ छोटी चीजें सीखनी है एंड इम्प्लीमेंट दम आप जो भी सीखें उन्हें इंप्लीमेंट कर दीजिए इंग्लिश आ जाएगी ठीक है और आपको यही करना है आज मुझसे आप प्रॉमिस कीजिए मैंने आपको गोइंग टू गोना वर्ड सिखाया अभी आप बोलेंगे ना मैं सोने जा रहा हूं मैं आपसे पूछ रही हूं आपको ये कहना है मैं सोने जा रहा हूं ऑब्वियसली टाइम हो गया ना आपके सोने का दस बज गए हैं तो सोना होगा मैं बोल रही हूं अच्छा मैं सोने जा रही हूं मैं अब सोने जा रही हूँ गोइंग टू स्लीप नाउ आप कैसे बोलेंगे हम तो दोस्त हैं ना तो दोस्ती में गोइंग टू कहने की जरूरत नहीं है आई एम स्लीप नाउ आप भी सो सकता है? कुछ लोग पढ़ने जा रहे हो मैं पढ़ने जा रहा हूं कैसे बोलेंगे बोलना है अब की बात लिखने की बजाय ना वहां पर बैठे बैठे बोल दो कम से कम मुझे लगे कि मैं कोई तो ऐसा सेंटेंस फ्रेज आपको सिखाकर जा रही हूं आई एम गोना स्टडी ओके आई एम गोना स्लीप अच्छा कोई कोई डिनर करने जा रहा हो तो डिनर करने भी तो जा रहे होंगे आप लोग okay? तो अगर आप अभी कोशिश करें ना अभी की अभी अभी की अभी जस्ट कि मैं कैसे कैसे कर सकता हूं मैं सोने जा रहा हूं मैं खाने जा रहा हूं मैं ऐसा कहने जा रहा हूं मैं ये काम करने जा रहा हूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कहेंगे कि मैं इस काम को बस करने ही वाला हूँ करने ही जा रहा हूं बस मैं, तो मैं मम्मी को मैं मम्मी को फोन लगाने वाला हूं ऐसा भी आप होता है मैं मम्मी को फोन लगाने वाला हूँ मम्मी मामा के यहाँ गई हैं, तो आप कहते हैं मैं मम्मी को फोन लगाने वाला हूँ कैसे कहेंगे आप इस सेंटेंस को मैं मम्मी को फोन लगाने वाला हूँ आई एम गोइंग टू कॉल मदर ओके I'm gonna take dinner. अच्छा अभी आप एक काम करिएगा पर कंप्लीट करती हूँ आपको क्या होमवर्क करना है आपको अपनी तरफ से अपने अभी बैठे बैठे जैसे आप अभी क्लास देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास देखा तो अभी आपको बैठे बैठे कम से कम एटलीस्ट टू टू सेंटेंसेस आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं जिनमें आप गोइंग टू गोना वर्ड यूज कर सकते हैं और कल से ना हर जगह कोशिश करनी है एक लाइन तो ये हर जगह हर किसी के सामने चिपका देनी है है ना और ऐसे ही धीरे धीरे हम पूरे बैच में बहुत सारे फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर सीखेंगे जिनको हम यूज़ कर देंगे हमारी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में और बस ऐसे ही आप इंग्लिश पक्का सीख जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स सीख चुके हैं आप भी सीख जाएंगे बहुत ईजी है और फिफ्टी तो आपको आती ही है मैंने आपको प्रूफ भी किया है आज की क्लास में है ना चलिए तो फिर चलते हैं Uh, कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन किसी का हो तो मैं अभी ले सकती हूँ आप मुझसे कोई क्वेश्चन अगर करना चाहें तो आप इस बैच से रिलेटेड इस बैच से रिलेटेड रोज इसी टाइम पर क्लास होती है नहीं आदेश एप्लीकेशन uh, पर uh, क्लास होती है लगभग छः सात बजे का टाइम रहेगा नॉट नाइन ओ क्लॉक किसी का कोई क्वेश्चन थैंक यू सो मच कौन सा हाँ अगर आपको इसका पीडीएफ अगर नीड है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमन इंग्लिश आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं है ना आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और सुमन सूर्यवंशी एंड आप एप्लीकेशन अप शायद कोई स्टूडेंट पूछा था बच्चे जो आप यूट्यूब चैनल का नेम है ओशन गुरुकुल्स वही एप्लीकेशन का नेम है आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं वहां मेरे सारे पेड बाछस मिल जाएंगे है ना ठीक है सी यू सोन है गुड वन ओके थैंक यू न्यू बैच आज से ही है बच्चे ना नया बैच ही शुरू हुआ है जाने का मन नहीं कर रहा तो रुक जाओ यूट्यूब पर क्लास होगी यूट्यूब पर आ, वीक में एक क्लास जो होती थी मैं मंडे वानसडे एंड सैटरडे आपके एक दिन स्पोकन की क्लास लेती हूँ दो दिन आप वोकेबलरी कॉम्प्रीहेंशन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेज लेती हूँ वो ऑफ कोर्स फ्री रहती हैं हैव अ नाइस गुड नाइट ओ है नाइस नाइट है ना गुड नाइट नहीं कोई क्वेश्चन किसी का थैंक्स मिले रहैंक यू सो मच आई कॉन्ट थैंक यू you आई एम गोन to लाइब्रेरी आई एम गोन library लाइब्रेरी नहीं गलत सेंटेंस था चलिए फिर चलते हैं गुड नाइट कब तक चलेगा फोर मंथ्स का बैच रहेगा बच्चे आपका कहाँ से हैं हम यहीं से ही है आज ये इस वाले बैच का स्टार्टिंग हो चुका है जिसका वैलिडिटी वन ईयर अनलिमिटेड व्यूज़ रहेंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं ओशन गुरुकुल्स इसके लिए अगर आपको कॉल करना इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपको पेड बैच वहाँ से मिल जाएगा बाकी आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो करना चाहें यूट्यूब पे कर सकते हैं थैंक यू सो मच गुड नाइट टू तो ऑल ऑफ यू